चिराग पासवान ने इन 10 सालों में कुछ नहीं सिर्फ हवाबाजी ही की है। 10 साल में कुछ किए ही नहीं। क्या किए है? कुछ भी नहीं किए। क्या किए? हाँ। अरे पहले तो जम्मू वाले को देखना है ना, अपने खुद भाग गए जम्मू छोड़ के। अच्छा, करते तो जम्मू से लड़ते ना। अब जीजा जी को आगे, जीजा जी को आने से क्या हुआ? हवा हवा आया लंदन से यहाँ लड़ने के लिए, लोकल को देंगे ना हम लोग। इस बार अर्चना रविदास जी ही जीतने वाली हैं, और ये परिवारवाद की राजनीति चिराग पासवान जी यहाँ ना करें। 400 पार का बात कहा जा रहा है, वो भी तो कहें कि जुमला अभी चल रहा है, वो जुमला ही सब जुमला। अमित शाह खुद कहते हैं कि ये जुमले है। लालटेन जलेगा मैम, क्योंकि चिराग पासवान सिर्फ यहाँ से लूटने का काम किया। 10 साल यहाँ रहा लेकिन मैम कुछ नहीं किया। जमुई में कुछ नहीं दिखता है मैम, जैसे पहले था 10 साल पहले वैसे ही अब भी है मैम। यहाँ से जो जमीनी स्तर पे जो जमीन की बेटी है उसको मौका मिलेगा। जमुई लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ से महागठबंधन की प्रत्याशी अर्चना रविदास, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी टक्कर है एनडीए के प्रत्याशी चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के साथ। तो हमारे साथ जमुई की जनता है और जमुई की जनता से जानेंगे 10 सालों में चिराग पासवान ने क्या काम किया और क्या उन्हें चिराग पासवान के जीजा पे भरोसा है कि आगे भी जमुई के विकास के लिए वो काम करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद हुआ, और आप लोगों को बता दे कि चिराग पासवान ने इन 10 सालों में कुछ नहीं सिर्फ हवाबाजी ही की है। तो उसके बाद हमारे जमुई शहर में सबसे पहली बार के अर्चना रविदास जी जो जमुई से बिलोंग करती हैं, तो हमारा पहला नेतृत्व ये बनता है कि हम अपने घर में पहले किसी को जिताएं। इस बार अर्चना रविदास जी ही जीतने वाली हैं, और ये परिवारवाद की राजनीति चिराग पासवान जी यहाँ ना करें। खुद तो किसी को मतलब कि कुछ नहीं किए, और इस बार चिराग पासवान अपने बहनोई को यहाँ पर डाल दिए हैं, तो इस बार कोई नाम से किसी को वोट नहीं करने वाला है। फिलहाल नीतीश जी का तो कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, वो तो अस्तित्व अपना ख़त्म कर चुके हैं कि कभी इधर कभी उधर होकर। तो इस बिहार में अगर कोई नेता है इस बार, तो बिहार में अभी सबसे बड़ा नेता तेजस्वी जी हैं, उनसे अभी बड़ा नेता बिहार को तो कोई नहीं है। इसलिए बिहार की जनता को कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी को भारी से भारी बहुमत में जिताने का कोशिश करें आप लोग। इस बार बदलाव की राजनीति देख रहे हैं, और आप लोगों को ये एक और बात बताते हैं कि इस पूर्व विधायक जो जमुई के पूर्व विधायक वो भी आज आरजेडी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि बिहार किस राजनीति में और जमुई में कैसे पासा पलटता जा रहा। सबको साफ दिख रहा है कि जमुई में सिर्फ अर्चना रविदास ही जीतने वाली हैं। जमुई में तो लग रहा है कि मोदी लहर है, मोदी जी भी आए थे, भाषण दे के गए हैं, लाखों की भीड़। जुमलेबाजी की सरकार है, भीड़ थी ना 10 साल, वो दो बार आए, इस बार तीसरा चरण आया था। आज तक जमुई को तो कुछ दिए नहीं, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं। जमुई में उनके नाम से आज तक कोई भी ऐसा चीज बता दे। आप लोग यहाँ जनता भी हैं, कभी किसी को कुछ नहीं, बस आए और सबको जुमलेबाजी की 15 लाख दे देंगे। तो आप लोगों को सिर्फ हम लोगों को महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। दो दिन पहले भी आए थे, क्या इस बार जुमला देकर गया? कुछ नहीं भाई, हमेशा की तरह लोगों को धर्म के नाम पर, आप धर्म के नाम पर खत्म करिए, आप विकास करिए, हम आपको वोट देंगे। यहाँ की जनता और इस भारत में सिर्फ रोजगार चाहिए, अभी रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोजगार कौन देगा? रोजगार तेजस्वी जी देंगे, उन्होंने दिया, वो अपने कार्यकाल में दिया, कुछ कम ही कार्यकाल था, मगर लोगों को अभी शिक्षा बहाली की, स्वास्थ्य में भी बहाली हुई, और ये विश्वास है कि आगे आने वाले में उनकी सरकार अगर बनती है तो वो जॉब देंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर कुछ जितनी भी कंपनियाँ हैं वो खुलेंगी, ये तय है। तो तेजस्वी जी से लोगों को उम्मीद है। जो 400 पार का बात कहा जा रहा है, वो भी तो कहें कि जुमला अभी चल रहा है, वो जुमला ही सब जुमला। अमित शाह खुद कहते हैं कि ये जुमले है। 15 लाख के बारे में बात हुई तो वो बताए कि ये तो जुमला था, तो वो तो जुमला का है। जनता जाग चुकी है। में किन मुद्दे पे इस बार वोट होगा? इस बार रोजगार के मुद्दे पे बात होगी, रोजगार के मुद्दे पे बात होगी। और भी लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? इस बार हम लोग रोजगार के मुद्दे पे बात करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे। रोजगार कौन देगा? रोजगार तेजस्वी देंगे, भरोसा है युवा को, तेजस्वी देगा, दिए हैं चिराग पासवान भी तो युवा बहुत कुछ दिए हैं।
9 महीने में बहुत कुछ दिए हैं। चिराग पासवान भी तो है, चिराग पासवान है, सब खत्म हो गया। हवा हवाई 10 साल आपके सांसद रहे, कुछ नहीं रहे हैं वो हवा हवाई में। 10 साल में कुछ किए ही नहीं। क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किए। क्या किए? अरे पहले तो जम्मू वाले को देखना है ना, अपने खुद भाग गए जम्मू छोड़ के। अच्छा, करते तो जम्मू से लड़ते ना। अब जीजा जी को आगे, जीजा जी को आने से क्या हुआ? हवा हवाई आया लंदन से यहाँ लड़ने के लिए, लोकल को देंगे ना हम लोग, लोकल को देंगे। हाँ, घर वाले को देंगे ना, पहले घर वाला को देखेंगे कि बाहर वाला को देखेंगे? जीजा जी का इस बार कुछ नहीं होने वाला। जीजा जी वाला को हवा हवाई रहेगा बस। मोदी लहर नहीं, मोदी लहर तो हमेशा रहता है, इस बार अलग है। इस बार की राजनीतिक अलग है, युवा जाग चुका है। युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है रोजगार, शिक्षा अच्छा हो, इंसान सेफ रहे। इस पे ध्यान कौन देगा? तेजस्वी देगा। 9 महीना बहुत कुछ करके दिखाया है। अच्छा, 9 महीना बहुत कुछ कर दिए, बहुत कुछ दिया। अगर हम लोग जिताने का काम के तो आगे बहुत कुछ कर दिखाएंगे। युवा क्या चाहते हैं जम्मू के? युवा क्या चाहेगा? युवा चाहेगा जम्मू जिला आगे बढ़े, और क्या। विकास पे कौन ध्यान देगा जम्मू के? आरजेडी। आरजेडी है? चिराग पासवान 10 साल सांसद रहे हैं, वो 10 साल रहा, वो उसका दौर चला गया, अब आरजेडी का दौर आ रहा है, और क्या। अब आरजेडी यानी लालटेने जलाएंगे इस बार? लालटेन ही चलेगा, लालटेने जलेगा, लालटेन जलेगा मैम, क्योंकि चिराग पासवान सिर्फ यहाँ से लूटने का काम किया। 10 साल यहाँ रहा लेकिन मैम कुछ नहीं किया। 10 साल में कुछ किया ही, कुछ किया ही नहीं मैम। कुछ दिखता धरातल पे आपको जमुई में? कुछ नहीं दिखता मैम। जैसे पहले था 10 साल पहले, वैसे ही अब भी है मैम। यहाँ से जो जमीनी स्तर पे जो जमीन की बेटी है उसको मौका मिलेगा। अच्छा। उस वही करेगा, वही आगे बढ़ाएगा जमुई को, क्योंकि घर का बेटा ही, घर का बेटी ही घर का काम करता है। जीजा जी वो सिर्फ ना लूटने वाला काम करता है, वो दहेज लेके चले जाएंगे बस। अच्छा। वही करेंगे मैम, और अर्चना रविदास के साथ है, वही जीतेगी। अर्चना रविदास जिंदाबाद, वही जीतेगी मैम। लालटेन जलाएंगे, जलेगा मैम। तेजस्वी पे इतना भरोसा क्यों है मैम? वो एक नौजवान युवा अच्छा नेता है मैम, उसने 9 महीने बहुत काम किया और वही काम करेगा मैम। बिहार के लिए तेजस्वी है मैम, उसके सिवा कोई नहीं है। चिराग पासवान सिर्फ लूटने वाला नेता है मैम, उसने जमुई को 10 साल में सिर्फ लूट के चले गया मैम, और कुछ नहीं किया बस। मोदी जी पे भी भरोसा नहीं रहा? मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा, वो सिर्फ जुमले देते हैं बस। वो बोला ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया मैम। वो सिर्फ ना हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला काम करता बस, मंदिर मस्जिद NRCCA 370 बस यही मुद्दा है बस, और कुछ नहीं है मैम। युवा क्या चाहता है, किन मुद्दों पे बात होनी? रोजगार मिले, अच्छा शिक्षा मिले, स्वस्थ मिले, बस यही चाहिए। कौन देगा इस पे ध्यान? तेजस्वी, बिहार के लिए तेजस्वी है मैम। बिहार के लिए तेजस्वी? यस मैम। इधर आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। हाँ। कौन है जमुई के लिए, बिहार के लिए सही? बिहार के लिए तो तेजस्वी यादव ही सही है। अच्छा, जमुई के लिए? जमुई के लिए अर्चना रविदास। चिराग पासवान से कहना नाराज है? चिराग पासवान वो अभी तक मतलब कोई काम नहीं किए, सिर्फ थोड़ा बहुत घूमे, और क्या। मेरा बगल है मतलब बेला गांव है यहाँ नरियाना, बगल में नरियाना पुल अभी तक 10 साल से टूटा हुआ है, अभी तक नहीं बना है। वहाँ फिर दोबारा मोदी जी आ चुके हैं, जबकि मोदी जी आने से पहले भी टूटा था और अभी तक टूटे का टूटा रह गया, और क्या। बीजेपी सिर्फ धर्म के अथी में लड़ाने का काम करते हैं, और क्या। विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, रोजगार के मुद्दे पर सिर्फ तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, युवा के लिए वही लड़ेंगे, वही देंगे। कौन देगा रोजगार? तेजस्वी यादव देंगे, तेजस्वी यादव रोजगार देंगे। इतना भरोसा क्यों है युवा लोग को उन पे? वो दे रहे हैं तब भरोसा है, सिर्फ बोलते नहीं करते हैं। अब बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, वो सिर्फ बोलती है करती नहीं है। तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं? हाँ, वो करते हैं। चलिए, जमुई लोकसभा क्षेत्र में है और जो तेजस्वी बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने रोजगार का बोला था, उन्होंने किया, इसीलिए युवा को भरोसा है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो इन्हें रोजगार जरूर मिलेगा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।